आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे औरतों के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन एंड जॉइंट्स है। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसका जनरल कि बोन और जॉइंट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस किस तरह से होता है। फिर आगे आने वाली वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जैसे स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस या फिर और भी ट्यूबरक्लोसिस जो अलग अलग बोन्स एंड जॉइंट्स पे होते हैं। तो अभी तो सिर्फ अपन थोड़ा जनरल पढ़ रहे हैं, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन एंड जॉइंट्स। तो यहाँ पर जनरल के अंदर लिखा हुआ है, जनरल कंसिडरेशन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज स्टिल अ कॉमन इन्फेक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ है वो डेवलपिंग कंट्री में ट्यूबरक्लोसिस अभी भी एक कॉमन इन्फेक्शन है। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अभी भी ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है और ये एक तरह का कॉमन इन्फेक्शन है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। उसके बाद लिखा है हुआ है यहाँ पर, आफ्टर लंग एंड लिफ नोड्स बोन एंड जॉइंट इज द नेक्स्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन द बॉडी। लंग्स एंड जो लिफ नोड्स होते हैं उनके बाद बोन एंड जॉइंट्स में ट्यूबरक्लोसिस की नेक्स्ट कॉमन साइट है। मतलब सबसे पहले तो ट्यूबरक्लोसिस कहाँ पे होता है, वो होता है लंग्स एंड लिफ नोड्स के अंदर। उसके बाद वो बोन्स एंड जॉइंट्स के अंदर अपन को देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस है वो लंग्स में होता है, तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बोन्स एंड जॉइंट्स के अंदर भी अपन को देखने को मिल सकता है। द स्पाइन इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ बोन एंड जॉइंट्स ट्यूबरक्लोसिस कंस्टिट्यूटिंग अबाउट 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ पर भी बताया हुआ है कि कौन सी बोन और कौन सा जॉइंट। तो यहाँ पर स्पाइन के बारे में बताया है कि स्पाइन की बोन एंड जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस का कॉमनेस्ट साइट है जो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस का 50% है। तो मतलब यहाँ पे बताया है कि लंग्स और लिम्फ नोड्स के बाद बोन्स एंड जॉइंट्स के अंदर ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो इसके बोन एंड जॉइंट्स के अंदर भी स्पाइन सबसे कॉमनेस्ट साइट है जहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस का 50% होता है, जो कि अपन को देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस के केस के अंदर। नेक्स्ट इन ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी आर द हिप द नी एंड द एल्बो। तो उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पर हो गया सबसे कॉमनेस्ट साइट तो स्पाइन होगी, फिर स्पाइन के बाद अपन को जो ट्यूबरक्लोसिस है वो हिप में भी देखने को मिल सकता है, नी में भी देखने को मिल सकता है, एल्बो में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले तो कहाँ पर होगा, लिफ नोड्स में होगा। उसके बाद अपन को स्पाइन के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस के, और हिप नी और एल्बो में भी अपन को देखने को मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, स्पाइन के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर ट्यूबरक्लोर ऑस्टोमलाइटिस आर कॉमनली अफेक्टेड द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। तो यहाँ पर जो ट्यूबरकुलर ऑस्टोमलाइटिस है वो कॉमनली लॉन्ग बोन के एंड को इफेक्ट करता है, जो बोन की जो एंड वाला जो पार्ट होता है ना उस पार्ट को इफेक्ट करता है लॉन्ग बोन के। उसके बाद यहाँ पर बताया है टेबल शो द कॉमन मस्कुलो स्केलेटल स्ट्रक्चर अफेक्ट बाय ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड कॉमन मस्कुलो स्केलेटल स्ट्रक्चर को यहाँ पर इस टेबल के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है टिश्यूज। टिश्यूज के अंदर है बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन और स्पाइन। ठीक है, तो लॉन्ग बोन के अंदर डिजीज होगी टीबी ऑस्टोमलाइटिस। इसका रेड रिमार्क है यहाँ पर टीबिया कॉमनली अफेक्टेड। जो लॉन्ग बोन है उसके अंदर टीबिया जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, जिसको अपन टीबी ऑस्टोमलाइटिस कहते हैं। फिर शॉर्ट बोन है, शॉर्ट बोन को अपन कह देंगे ट्यूबरकुलर डेक्टेलाइटिस, जो कि स्पाइनल वेंटोसा में को अपन कहते हैं। उसके बाद है स्पाइन, स्पाइन में डिजीज़ है तो उसको अपन कहेंगे टीबी स्पोंडिलाइटिस, जिसको अपन पोर्ट्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं। उसके बाद है जॉइंट, जॉइंट के अंदर है आर्थराइटिस साइनोवियम। आर्थराइटिस जैसे टीबी, आर्थराइटिस साइनोवियम टीबी, ये इसकी डिजीजेज होगी। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क के अंदर लिखा हुआ है आर्थराइटिस के अंदर हिप जॉइंट कॉमनली अफेक्टेड। जो आर्थराइटिस है टीबी, जो आर्थराइटिस है वो अपन को हिप जॉइंट के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, और ये अपन को नी कॉमनेस साइट है। ये जो साइनोवियम या साइनोवियल टीबी है वो अपन को नी जॉइंट के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद है यहाँ पर कुछ अदर्स, टेंडन एंड बर्सा, टेंडन टीबी, टीनोसाइनोवाइटिस ऑफ फ्लेक्सर टेंडन एंड रिस्ट। रिस्ट के अंदर जो फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं ना उसकी टीबी, टीबी टीनोसाइनोवाइटिस, कंपार्टमेंट पाल्मर गैंग्लियन। फिर यहाँ पर बर्सास के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पर टीबी बर्साइटिस ऑफ ट्रोकेंट्रिक बर्सा, जिसको यहाँ पर बोला है ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस। ओके,
तो अपन यहाँ पर इस पेज के अंदर देखेंगे कि अपन इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो अपन ने इस ट्यूबरक्लोसिस का जरा जनरल तो पढ़ लिया है, उसके बाद अपन यहाँ पढ़ेंगे इसके इटियोपैथोजिनेसिस के बारे में, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे पैथोलॉजी, नेचुरल हिस्ट्री एंड इसकी हीलिंग के बारे में। उसके बाद आएगा इसका क्लिनिकल फीचर्स, इसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करेंगे वो देखेंगे, एंड देन इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अपन इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ट्रीटमेंट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे। तो अपन ने जनरल पढ़ लिया, अपन पढ़ेंगे इसका यहाँ पर इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस है उसका सबसे कॉमनेस्ट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नाम से पता लग रहा है, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर बोन एंड जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस इज ऑलवेज सेकेंडरी टू सम प्राइमरी फोकस इन द लंग्स, लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा। तो अपने पहले पेज पे ही देखा था जो ट्यूबरक्लोसिस है वो सबसे पहले कहाँ पर होता है, वो होता है लंग्स के अंदर एंड लिम्फ नोड्स के अंदर। मतलब ये प्राइमरी फोकस होता है लंग्स एंड लिम्फ नोड्स। उसके बाद सेकेंडरी यहाँ पर होता है वो होता है बोन्स जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो प्राइमरी फोकस है लंग लिम्फ नोड्स, वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस होगा, उसके बाद बोन्स एंड जॉइंट्स के अंदर होगा। तो अपन ने वहाँ पर पढ़ा था कि स्पाइन के अंदर सबसे ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है, उसके बाद हिप, शोल्डर, एंकल, मतलब और जॉइंट्स के अंदर भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो स्प्रेड कैसे होता है। मोड ऑफ स्प्रेड फ्रॉम द प्राइमरी फोकस में बी आइदर हेमेटोजीनस और बाय डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम द नेबरिंग फोकस, ठीक है। तो इस तरह से वो जो मोड ऑफ स्प्रेड यहाँ पे बताया कि किस तरह से ट्यूबरक्लोसिस है वो फैलता है, या तो वो हेमेटोजेनस जो रूट है उसके थ्रू फैल सकता है, या फिर डायरेक्ट एक्सटेंशन के कारण भी वो फैल सकता है। उसके बाद यहाँ पर आता है इसकी पैथोलॉजी के बारे में, जो कि अपन ने देखा था कि अपन इसके अंदर पढ़ेंगे इसकी पैथोलॉजी के बारे में। तो पैथोलॉजी के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन ऑफ द बोन एंड साइनोवियल टिश्यूज प्रोड्यूस सिमिलर रेस्पॉन्स एज इट प्रोड्यूस इन द लंग, डेट इज क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन विथ केसिस एंड नेक्रोसिस। द रेस्पॉन्स में भी प्रोलिफरेटिव एक्जुडेटिव और बोथ। तो यहाँ पर इसकी पैथोलॉजी के अंदर लिखा हुआ है कि बोन का जो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन और सॉफ्ट टिश्यू सिमिलर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सिमिलर प्रोड्यूस करते हैं रेस्पॉन्स, वो है बोन का ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन और सॉफ्ट टिश्यूज। जैसे ये लंग्स होते हैं ना, लंग्स में प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल वैसा सिमिलर यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। यानी का मतलब क्या है, यानी केसिस एंड नेक्रोसिस के साथ यहाँ पर क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन अपन को देखने को मिलती है, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन विथ केसिस एंड नेक्रोसिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेस्पॉन्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि प्रोलिफरेटिव और एक्सडेटिव, या दोनों यहाँ पर जो रेस्पॉन्स है वो अपन को देखने को मिल सकता है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। कौन कौन से रेस्पॉन्स है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आता है प्रोलिफरेटिव रेस्पॉन्स एंड एक्जुडेटिव रेस्पॉन्स। तो प्रोलिफरेटिव रेस्पॉन्स के अंदर लिखा हुआ है दिस इज द कॉमनर ऑफ द टू रेस्पॉन्स, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक ग्लोमेटस इन्फ्लामेशन विद अ लॉट ऑफ फाइब्रोसिस। तो यहाँ पर ये बताया है कि प्रोलिफरेटिव रेस्पॉन्स है या टू रेस्पॉन्स में से कॉमनर है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है वो है बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस के साथ क्रोनिक ग्लोमेटस इन्फ्लामेशन अपन को यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर फाइब्रोसिस होंगे और क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन अपन को देखने को मिलेगी। उसके बाद है कॉजेटिव रेस्पॉन्स, एक्जुडेटिव रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर है इन सम केसेस पर्टिकुलरली इन इम्यूनोडेफिशिएंट इंडिविजुअल, एल्डर पीपल्स एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया एक्सेट्रा, देयर इज एक्सटेंसिव कॉजेशन नेक्रोसिस विदाउट मच सेलुलर रिएक्शन, द रिजल्ट इन एक्सटेंसिव पस फॉर्मेशन, देयर आर आल्सो टर्म नॉन रिएक्टिव केसेस। तो यहाँ पर एक्जुडेटिव रेस्पॉन्स के अंदर है कि कुछ केस में पर्टिकुलरली इम्यूनोडेफिशेंट वाले इंडिविजुअल या फिर जो ल्यूकेमिया से सफरिंग है उन पीपल में बहुत अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा अपन को सेलुलर रिएक्शन के बिना एक्सटेंसिव कॉजेशन नेक्रोसिस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सटेंसिव केसेशन नेक्रोसिस अपन को देखने को मिल रहा है किनके अंदर, जो कि
पर्सन जो होते हैं, जो पेशेंट होते हैं जिसके अंदर इम्यूनो डेफिशिएंट है या फिर जो सफ़र कर रहे हैं ल्यूकेमिया से, उनके अंदर वो भी विदाउट मतलब सेलुलर रिएक्शन के, वो भी बिना किसी सेलुलर रिएक्शन के बिना अपन को यहाँ पर ये देखने को मिलता है केसेस नेक्रोसिस। दिस रिजल्ट्स इन एक्सटेंसिव पस फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जिसका आंसर क्या होता है ना, यहाँ पे एक्सटेंसिव पस का फॉर्मेशन होता है और इस टर्म को अपन कहते हैं यहाँ पे नॉन रिएक्टिव केसेस। तो अभी अपन ने यहाँ पर क्या पढ़ा, अपन ने जनरल पढ़ लिया इटियो पैथोजेनेसिस के अंदर, अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी के बारे में, पैथोलॉजी अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पर आएगा नेचुरल हिस्ट्री के बारे में, तो नेचुरल हिस्ट्री के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फ्लामेशन रिजल्ट्स इन लोकल ट्रेबिकुलर नेक्रोसिस एंड केसेशन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नेचुरल हिस्ट्री के अंदर लोकल ट्रेबिकुलर नेक्रोसिस एंड केसेशन में इन्फ्लामेशन अपन को यहाँ पर देखने को मिलता है। डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन अकर्स बिकॉज ऑफ इंटेंस लोकल हाइपनीमिया। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो बोन का डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, अब बोन का डिमिनरलाइजेशन हो रहा है वो तो क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटेंस लोकल हाइपनीमिया के कारण, हाइपर एमिया के कारण। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट बॉडी रेजिस्टेंस और कीमोथेरेपी द कॉर्टेक्स ऑफ द बोन गेट इरोड एंड द इन्फेक्टेड ग्रेनुलेशन टिश्यूज एंड पस फाइंड देयर वे टू द सब पेरिओस्टियल एंड सॉफ्ट टिश्यू प्लेन्स। तो इसके अंदर अपन को यहाँ पर बोन के बारे में बताया, यहाँ पर भी अपन ने बोन के बारे में बात की थी कि जो बोन है उसका डीमिनरलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर बता रहे कि एडिक्वेट बॉडी रेजिस्टेंस और कीमोथेरेपी के एब्सेंस में जो बोन के जो कॉर्टिक्स है वो इरोड हो जाते हैं, मतलब वो ख़राब हो जाते हैं, और जो इन्फेक्टेड ग्रेनुलेशन टिश्यूज और जो पस जो होता है वो सब पेरिओस्टियल एंड सॉफ्ट टिश्यूज प्लेन्स के अंदर अपना रास्ता निकाल देते हैं, मतलब वो उसके अंदर चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? इन्फेक्टेड ग्रेनुलेशन टिश्यूज एंड जो पस है वो। ठीक है, तो कहाँ पर चले गए? वो सब पेरिओस्टियल एंड सॉफ्ट टिश्यू प्लेन्स के अंदर चले गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जो बोन है उसका डिमिनरलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पर जो बोन है वो इरोड हो रही है। ठीक है, मतलब उसका बोन का डिमिनरलाइजेशन भी हो गया और जो बोन है वो ख़राब भी हो गया, जिस कारण से जो बोन्स है ना वो वीक पड़ जाती है, फिर आगे चल के उनका फ्रैक्चर अपन को देखने को मिलता है, जिसको अपन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स कहते हैं। तो जो बोन है वो यहाँ पर इरोड हो गई है और उसका डिमिनरलाइजेशन हो रहा है, और जो इन्फेक्टेड ग्रेनुलेशन टिश्यूज और जो पस है वो इसके अंदर प्लेन्स सॉफ्ट टिश्यू प्लेन्स एंड सब पेरिओस्टियल के अंदर चली गई है। उसके बाद यहाँ पर आता है हेयर देयर प्रेजेंट एस कोल्ड एब्सेस एंड मे बस्ट आउट टू फॉर्म साइनस। उसके बाद यहाँ पर कोल्ड एब्सेस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो कोल्ड एब्सेस के रूप में प्रेजेंट होता है, तो मतलब जो पस वगैरह है वो यहाँ पर कोल्ड एब्सेस की तरह बन जाता है, फिर यहाँ पर आकर बस्ट हो जाता है। बस्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर साइनस बनाने के लिए वो यहाँ पर बस्ट हो जाता है, कोल्ड एब्सेस। द अफेक्टेड बोन में अंडरगो अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो अपन ने बोला था कि जो जो बोन है वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के अंदर चली जाती है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मान लो जो बोन है वो किसी भी पर्टिकुलर किसी भी डिजीज के कारण अगर वीक हो जाती है और वीक होने के बाद वो टूट जाती है, तो उसको अपन कहते हैं यहाँ पर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो यहाँ पर जो बोन है वो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो बोन है, जो बोन का डिमिनरलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर वो बोन है जो इरोड हो रही है, उसके कॉर्टिक्स खराब हो रहे हैं जिस कारण से, तो ट्यूबरक्लोसिस के कारण जो बोन्स है वो वीक हो रही है, जिस कारण से उसका पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर अपन को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद है यहाँ पर ट्रेबेकुलर ओस्टोमलाइटिस इन द विजिनिटी ऑफ द जॉइंट में रिजल्ट इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जॉइंट। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जॉइंट के आसपास के एरिया में ट्रेबिकुलर ऑस्टोमलाइटिस के कारण जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जॉइंट जो है, आसपास के जॉइंट है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब वो किस तरह से इन्वॉल्व होंगे उसके बारे में भी यहाँ पर अलग से बताया हुआ है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के बारे में। जॉइंट इन इन्वॉल्वमेंट इज यूजअली इन द फॉर्म ऑफ अ लो ग्रेड साइनोवाइटिस विथ थिकनिंग ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट लो ग्रेड साइनोवाइटिस और इसके साथ साइनोवियल मेम्ब्रेन का थिक होना है, मतलब यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है उसको थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और यहाँ पर लो ग्रेड साइनोवाइटिस अपन को देखने को मिलेगा जॉइंट के अंदर। अनलाइक पायोजेनिक आर्थराइटिस वेयर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स
सीवर अर्ली डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज, ट्रेविकुलर इन्फेक्शन, कोजेज स्लो डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे पायोजेनिक आर्थराइटिस के विपरीत जहाँ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आर्टिकुलर कार्टिलेज के सीवर अर्ली डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। ठीक है, सीवर अर्ली डिस्ट्रक्शन का यहाँ पर कारण बनता है पायोजेनिक आर्थराइटिस वेयर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कॉजेज। ठीक है, अनलाइक फिर मतलब यहाँ पर पायोजेनिक आर्थराइटिस के विपरीत मतलब उसका उल्टा, जहाँ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आर्टिकुलर कार्टिलेज के सीवर अर्ली डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है, वहीं पर ट्रेबिकुलर जो इन्फेक्शन होता है वो स्लो डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। मतलब जो ट्रेबिकुलर इन्फेक्शन है वो स्लो डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, और ये वाला क्या करेगा, इस सीवियर अर्ली डिस्ट्रक्शन करेगा आर्टिकुलर कार्टिलेज का। फिर उसके बाद यहाँ पर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है, वंस द साइनोवियम इज इन्फ्लेम्ड इट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द कार्टिलेज फ्रॉम द पेरिफेरी। और जब मान लो जब एक बार साइनोवियम में इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, मतलब उसके अंदर सूजन आ जाती है, तो ये पेरिफेरी कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है। मतलब पेरिफेरी जो कार्टिलेज है ना वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर एक बार साइनोवियम जो है वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है तो। दिस इन्फ्लामेटरी साइनोवियम एट द पेरीफेरी ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड पेनस। तो कार्टिलेज की पेरीफेरी पर इन्फ्लामेटरी साइनोवियम को यहाँ पर पेनस कहा जाता है। अपना देख लिया था जो पेरीफेरी का जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, और कार्टिलेज की पेरीफेरी पर इन्फ्लामेशन जो होता है उसको अपन यहाँ पर साइनोवियम जो होता है उसको अपन यहाँ पर पेनस कहते हैं। पेनस अपन को याद रखना चाहिए, अगर डायग्नोसिस भी अपन कर रहे हैं तो अपन को ये चीज़ अच्छे से देखने को मिलेगी कि यहाँ पर पेनस है, पेनस का फॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। और फिर आखिरकार क्या होता है ना, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना वो कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है जॉइंट्स के अंदर। तो जॉइंट गेट डिस्टेंटेड विद द पस। तो यहाँ पर क्या होता है ना, पस के साथ जॉइंट है ना वो डिस्टेंटेड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो जॉइंट की बात तो हो ही रही है, तो जॉइंट है ना वो डिस्टेंटेड हो जाते हैं, मतलब वो क्या होता है ना, वो थोड़ा फैल जाते हैं। जॉइंट कैप्सूल्स एंड लिगामेंट बिकम लेग्स एंड द जॉइंट में गेट सबलक्सेड। तो मतलब जो इस कारण से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जॉइंट के आसपास जो कैप्सूल्स, जॉइंट कैप्सूल्स और जो लिगामेंट्स होते हैं ना वो लेग्स हो जाते हैं, जिस कारण से जॉइंट का है ना सबलक्सेशन हो जाता है। सबलक्सेशन का मतलब क्या है ना, जॉइंट है ना जो मान लो इस तरह से तो सबलक्सेट हो जाएंगे, मतलब अपनी जगह से हिल जाएंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्टैक्ट इनके अंदर बचेगा। जो लिगामेंट्स और कैप्सूल्स के लेग्स होने के कारण यहाँ पर जॉइंट का सबलक्सेशन भी अपन को देने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे पस एंड ट्रेबिकुलर डेब्रिक्स बस्ट आउट ऑफ द जॉइंट कैप्सूल टू फॉर्म अ कोल्ड एब्सिस एंड सब्सिक्वेंटली अ क्रोनिक डिस्चार्जिंग साइनस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, पस एंड ट्रेबिकुलर डेब्रिक्स जॉइंट कैप्सूल से बाहर निकलते हैं और एक कोल्ड एब्सिस बनाते हैं। यहाँ पर कोल्ड एब्सिस के बाद, कोल्ड एब्सिस ही डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प करता है डायग्नोसिस करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस का। तो कोल्ड एब्सिस के बारे में अच्छे से याद होना चाहिए अपन को, जो कि अपन आगे पढ़ लेंगे कोल्ड एब्सिस के बारे में कि क्या होता है और किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, पस एंड ट्रेबिकुलर जो डेब्रिक्स होते हैं ना वो जॉइंट कैप्सूल से बाहर निकल जाते हैं और एक कोल्ड एब्सिस बनाते हैं। ठीक है, और बाद में क्रोनिक डिस्चार्जिंग साइनस वो यहाँ पर फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने यहाँ पे एटियोपैथोजेनेसिस के अंदर पढ़ लिया पैथोलॉजी के बारे में, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में, और अपन पढ़ेंगे यहाँ पे हीलिंग के बारे में। फिर हीलिंग पढ़ते एटियोपैथोजेनेसिस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अपन यहाँ पे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हीलिंग अपन देखते हैं किस तरह से होती है, क्या होती है। इट अकर्स बाय फाइब्रोसिस विच रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ और नियर कम्प्लीट लॉस ऑफ जॉइंट मूवमेंट, जिसको अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, फाइब्रस एंकाइलोसिंग अपन यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये फाइब्रोसिस से किस तरह से होता है ना, ये फाइब्रोसिस से होता है जिसके कारण जॉइंट मूवमेंट में लिमिटेशन आ जाती है, या जो मूवमेंट है होते हैं ना वो कम्प्लीटली यहाँ पर लॉस हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर फाइब्रोसिस हो गए, तो फाइब्रोसिस होने के कारण जॉइंट के मूवमेंट है ना वो लिमिट हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि जो मूवमेंट्स है ना वो कम्प्लीटली लॉस हो जाए, मतलब जो जॉइंट है वो हिल ही ना पाए जिस जगह पर ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। तो इसको अपन क्या कहते हैं ना, फाइब्रस एंकाइलोसिंग अपन इसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोनी एंकाइलोसिंग के बारे में बताया है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इफ़ कंसिडरेबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज हैज अकर्स द जॉइंट कैप्स जॉइंट स्पेस इज कम्प्लीटली लॉस्ड एंड इज ट्रांसवर्स्ड बाय बोनी ट्रेबिकुलर बिटवीन द बोन फॉर्मिंग द जॉइंट बोनी एनकाइलोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और तो ये तो हो गए यहाँ पर फाइब्रस एनकाइलोजिंग, जॉइंट मूवमेंट है वो लिमिट हो गए या फिर कम्प्लीटली लॉस हो गए।
उसके बाद आता है, और अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज का ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज। अपन यहाँ पर देखा था कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना उसका कम्प्लीटली वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये बताया, अगर एक बार आर्टिकुलर कार्टिलेज है, अगर मान लो उसका कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो जॉइंट स्पेस होता है ना वो कम्प्लीटली लॉस हो जाता है। यहाँ हर जॉइंट के बीच में स्पेस हो जाता है, तो जॉइंट स्पेस जो होता है ना, मान लो एक आर्टिकुलर कार्टिलेज मतलब आर्टिकुलर सर्फेस है, दूसरी बोन के आर्टिकुलर सरफेस है, तो बीच में जो थोड़ा सा स्पेस होगा ना वो यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा। मान लो पहले इतना था तो वो इतना सा रह जाएगा, तो जॉइंट स्पेस क्या होता है ना यहाँ पर कंप्लीटली लॉस हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जॉइंट बनाने वाली बोन के बिटवीन में बोनी ट्रेबिकुलर से ट्रेवर्स किया जाता है, जिसको अपन यहाँ पे बोनी एनकाइलोजिंग कहते हैं। ठीक है, तो फाइब्रस एनकाइलोजिंग पढ़ लिया, बोनी एनकाइलोजिंग पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं फाइब्रस एनकाइलोजिंग के बारे में कुछ बताया है। फाइब्रस एनकाइलोजिंग जो ये वाला था इज़ अ कॉमन आउटकम ऑफ हील्ड ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द जॉइंट। तो जॉइंट के ट्यूबरकुलोसिस का ये कॉमन आउटकम है, जो कि अपन को किसके रूप में देखने को मिलता है, वो होता है फाइब्रस एनकाइलोजिंग, एक्सेप्ट इन द स्पाइन वेयर बोनी एनकाइलोजिंग फॉलोज मोर ऑफ्टन। ठीक है, तो अपन फिर भी यहाँ पे पढ़ते क्या बोल रहा है ये, कि फाइब्रस एनकाइलोज्ड हील्ड हुए जॉइंट ट्यूबरकुलोसिस का कॉमन आउटकम है स्पाइन को छोड़कर, जहाँ बोनी एनकाइलोजिंग अधिक बार होता है, मतलब और ज़्यादा बार वहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आउटकम है, यहाँ फाइब्रस एनकाइलोजिंग ट्यूबरकुलोसिस ऑफ जॉइंट का कॉमन आउटकम अपन को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर उसके बाद आता है एटियोपैथोजेनेसिस के बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, तो अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड अपॉन द साइट अफेक्टेड। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो किस जगह पर हुआ है, उसकी साइट क्या है, कौन सी बोन है, कौन सी जॉइंट है, इन सब बातों पर वो डिपेंड करता है इसके क्लिनिकल फीचर। उसके बाद यहाँ पर लिखा है पेशेंट ऑफ ऑल एज एंड बोथ सेक्स आर अफेक्टेड फ्रिक्वेंटली। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ना वो दोनों किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी सेक्स के अंदर अपन देखने को मिल सकता है, मेल फीमेल किसी के अंदर भी अपन को ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिल सकता है। द ऑनसेट इज़ ग्रेजुअली ग्रेजुअल इन मोस्ट केसेस। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो ऑनसेट होता है ना वो ग्रेजुअल होता है कुछ केसेस के अंदर, मोस्ट केसेस के अंदर उसके ऑनसेट की बात हुई, मतलब वो किस तरह से स्टार्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के अंदर, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में यहाँ बोला है। उसके बाद आता है यहाँ पे एज यूजुअल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आर पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी एंड इनएबिलिटी टू यूज डेड पार्ट। तो इसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के अंदर को ये देखने को मिलता है, जो पेशेंट है ना वो बताते हैं कि उसको अफेक्टेड एरिया पर पेन है, स्वेलिंग है, डिफॉर्मिटी अपन को देखने को मिलेगी, और जो पेशेंट होता है ना वो अपने अफेक्टेड पार्ट को हम मूव नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे इनएबिलिटी टू यूज़ डेड पार्ट, वो उसको यूज़ नहीं कर पाता है, उसके अंदर अनेबल रहता है। सम टाइम द प्रेजेंटेशन इज एटिपिकल। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होते हैं ना वो असामान्य होते हैं, मतलब एटिपिकल अपन को देखने को मिलते हैं। द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल विल हेल्प इन मेकिंग अ डायग्नोसिस। तो यहाँ पर यह है कि जो फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल्स डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स यहाँ पर दे रखे हैं जनरल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर तीन प्रिंसिपल्स हैं, तो तीन प्रिंसिपल्स अपन पढ़ेंगे कि करके, जिसके अंदर से फर्स्ट आता है हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। तो इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है ट्यूबरकुलोसिस शुड बी इंक्लूडेड इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एनी स्लो ऑनसेट डिजीज ऑफ द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, पर्टिकुलरली इन कंट्रीज वेयर ट्यूबरकुलोसिस इज स्टिल प्रीवेलेंट। तो यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल के अंदर, कि अपन किस तरह से इसका डायग्नोसिस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत मतलब कि क्या होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस को मस्कुलर स्केलेटल की किसी भी स्लो ऑनसेट वाली किसी भी डिजीज़ के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इंक्लूड किया जाना चाहिए। मतलब क्या होता है ना, जो अपन डायग्नोसिस करते हैं तो उसका डिफरेंशियल अपन को डायग्नोसिस करना चाहिए, कि बहुत सारी डिजीज़ होते हैं जिनके साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं ना वो सेम होते हैं, तो अपन पता नहीं लगा पाते कि ट्यूबरकुलोसिस है या फिर कोई और डिजीज़ यहाँ पर हो रही है, तो अपन को यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है। ट्यूबरकुलोसिस का नहीं, और भी डिजीज़ है जिनका अपन को करना होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस का भी अपन को यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए। तो यहाँ पर ये यह है, जो ट्यूबरकुलोसिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ना वो अपन को करना चाहिए मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की किसी डिजीज़ के कारण, मतलब उसके साथ अपन को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस का।
वो भी इस मतलब कि मस्कुलो स्केलेटल की कौन सी डिजीज के साथ डिफरेंशिएट डायग्नोसिस करना है उसके साथ करना है जिसका स्लो ऑनसेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ इट्स स्लो ऑनसेट एंड प्रोग्रेस द सिम्टम्स एंड साइन आर ऑफ्टन मिनिमल एंड नॉन स्पेसिफिक। क्योंकि क्या होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस है ना उसका भी स्लो ऑनसेट यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पर कहा है कि मस्कुलो स्केलेटल की स्लो स्लो ऑनसेट वाली डिजीज के साथ ही इसका डिफरेंशिएट डायग्नोसिस अपन को करना होता है। ठीक है, तो इतनी सी बात यहाँ पर है कि अपन को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है मस्कुलो स्केलेटल जो भी डिजीज है उनके साथ, जिसका स्लो ऑनसेट होता है, उसका ट्यूबरक्लोसिस के साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। ये काफ़ी ज़रूरी होता है इसका डायग्नोसिस करने के लिए, क्योंकि डायग्नोसिस वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से अपन को समझ आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर होता है ना, बिकॉज यहाँ पर बताया है इसका रीज़न कि इसका स्लो ऑनसेट होता है, इस कारण से स्लो ऑनसेट वाली डिजीज के साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है अपन को यहाँ पर इसका ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, तो अब कभी कभी क्या होता है ना, जिसका जो स्लो ऑनसेट होता है तो कभी कभी इसको साइन एंड सिम्टम्स ना अपन को इतने ज़्यादा अच्छे से देखने को नहीं मिलते, और कभी कभी अपन से मिस भी हो जाते हैं क्योंकि ठीक से देखने को नहीं मिलते साइन एंड सिम्टम्स के। तो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना वो मिनिमल होते हैं या फिर नॉन स्पेसिफिक अपन को देखने को मिलते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हैज़ अ क्लोज वॉच ओवर सच सिम्टम्स इज़ अ ससेप्टिबल इंडिविजुअल इज़ द की टू अर्ली डायग्नोसिस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन और ससेप्टिबल इंडिविजुअल में ऐसे सिम्टम्स पर अच्छे से नज़र रखनी चाहिए ताकि अपन उसका अर्ली डायग्नोसिस कर सके, और अर्ली डायग्नोसिस करने से ही उसका ट्रीटमेंट ना अपन अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ दैट की टू अर्ली डायग्नोसिस। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इसका सेकेंड जनरल प्रिंसिपल, सेकेंड वाला, जिसका जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है फेलेसियस हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा। वेरी ऑफ्टन द पेशेंट साइन ऑल द सिम्टम्स टू एपिसोड ऑफ इंजरी, वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाई सच इंफॉर्मेशन ऑफ द इंजरी वे टू कंसिडरेट को इंसिडेंटल द डिटेल इंक्वायरी इज सच केसेस विल रिवील अ सिम्टम्स फ्री पीरियड बिटवीन द एपिसोड ऑफ ट्रोमा एंड द बिगनिंग ऑफ सिम्टम्स दस स्टेबलाइजिंग द नॉन ट्रोमेटिक नेचर ऑफ द डिजीज। तो यहाँ पे क्या बताया है ना, इसके अंदर डायग्नोसिस के लिए अपन को क्या करना होता है कि बहुत बार जो पेशेंट होता है ना अपने साइन अपने सिम्टम्स को एपिसोड ऑफ इंजरी के साथ जोड़ के देखते हैं, जो अपन को बताता भी इसी तरह से है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के बहकावे में अपन को नहीं आना है, मतलब पेशेंट कुछ भी कहे तो अपन को उसकी बात नहीं माननी है कि किस कारण से डिजीज़ हुई है, तो अपन को उसकी बातों में नहीं आना है। क्योंकि इंजरी जो होती है ना, डिजीज़ के साथ जो इंजरी होती है ना वो को इंसिडेंटल हो सकती है। तो ऐसे केस में एक डिटेल इंक्वायरी से एपिसोड और ट्रोमा और सिम्टम्स की शुरुआत के बीच एक सिम्टम फ्री पीरियड का पता लगेगा। सिम्टम फ्री जो पीरियड है ना उसके बारे में आपको पता लगाना है। तो इस तरह से डिजीज़ की नॉन ट्रोमेटिक जो डिजीज़ होती है ना उसके नीचे का अपन को पता लगता है, वो स्टेबलाइज यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है थर्ड इसका जनरल प्रिंसिपल जिसे अपन डायग्नोसिस करते हैं, वो है लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। सिम्टम्स लाइक फीवर हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, वेट लॉस अपन को देखने को मिल सकता है, आर प्रेजेंट इन ओनली अबाउट 20% केसेस। तो अपन को ये सिर्फ 20% केसेस के अंदर ही अपन को देखने को मिलेगा, क्योंकि अपन ने देख लिया था कि अपन को ठीक से इसके सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते या फिर मिनिमम अपन को देखने को मिलता है सिम्टम्स मिनिमल। इन एक्टिव प्राइमरी फोकस इज डिटेक्टेड ओनली इन अबाउट 50% ऑफ केसेस एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, इन द रेस्ट इट हैज़ ऑलरेडी हील्ड बाय द टाइम द पेशेंट प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डायग्नोसिस के टाइम जो लगभग अपन को 50% केसेस में ही एक्टिव प्राइमरी फोकस का पता लगता है, ठीक है, ओनली सिर्फ 15% केसेस के अंदर, बाकी में जब ये पेशेंट प्रेजेंट करता है जब तक ऑलरेडी हील्ड हो चुका होता है कि 50% के अंदर मेरे को पता लगेगा। फिर उसके बाद अपन जब डायग्नोसिस करते हैं ना जब तक तो ये हील्ड हो चुका होता है, अपन हीलिंग के बारे में पहले पढ़ा था। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मतलब इसके अंदर आता है नेक्स्ट पार्ट जो है इसका इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लें किस किस तरह से अपन इसका क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, पेशेंट का को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है इसका इन्वेस्टिगेशन, अपन इस डिजीज़ का इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करेंगे। उसके बाद आएगा ट्रीटमेंट जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अपन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर पढ़ेंगे इसके रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अपन किस तरह से करते हैं।
एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट एंटेरो पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अपन किस तरह से करेंगे, जो अफेक्टेड पार्ट का एक्सरे करवाएंगे वो भी एंटेरो पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू, ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, तो एक्सरे के अंदर अपन को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अपन कौन कौन सा व्यू लेंगे, एक तो लेंगे एंटेरियल पोस्टीरियर व्यू मतलब एपी व्यू एंड इसका लेटरल व्यू। ठीक है, फाइंडिंग इन द अर्ली स्टेज मे बी मिनिमल एंड आर लाइकली टू बी मिस्ड। तो अर्ली स्टेज में जो फाइंडिंग्स होती है ना वो मिनिमल होती है, मतलब बहुत कम होती है, और इस कारण से मिस्ड भी हो जाती है, बहुत कम लगी तो दिखती नहीं है और वो अपन से मिस्ड हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंपलीशन विथ आइडेंटिकल एक्सरे ऑफ द अपोजिट लिम और विथ एन एक्सरे रिपीटेड ऑफ्टन सम पीरियड में भी हेल्पफुल। तो यहाँ पर अपन इसका इन्वेस्टिगेशन करने का एक और तरीका है कि इन्वेस्टिगेशन करने का ये भी एक तरीका होता है कि जो अफेक्टेड पार्ट के लिम को, जो अफेक्टेड पार्ट है जिसके अंदर टीबी हुआ है, उस वाले लिम को नॉर्मल लिम के साथ अपन कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्रेशन विथ आइडेंटिकल एक्सरे, मतलब उसको दोनों को कंपेयर कर लेंगे, नॉर्मल लिम को और अफेक्टेड पार्ट को। ठीक है, और फिर इस तरह से अपन एक्सरे करवा के इस दोनों को ठीक से पता कर सकते हैं, आइडेंटिकल एक्सरे करवा के अपन इसका ठीक से पता कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस अपन को देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ तो एक तो ये हो गया कि एक बार अपन ने दोनों का करवा के उसको कंपेयर कर लिया, या फिर यही हो सकता है कि एक बार अपन ने करवा लिया उसके कुछ टाइम बाद अपन ने फिर से करवा लिया फिर और उन दोनों को कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो दोनों से अपन इसको कंपेयर करके देख सकते हैं अच्छे से। फॉलोइंग आर सम ऑफ द जनरल रेडियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द बोन एंड जॉइंट। तो यहाँ पर बोन एंड जॉइंट के ट्यूबरक्लोसिस के कुछ जनरल रेडियोलॉजिकल फीचर्स यहाँ पर दिए गए हुए हैं जिनको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर टीबी ऑस्टोमलाइटिस। ठीक है, तो टीबी ऑस्टोमलाइटिस के अंदर लिखा हुआ है अ ट्यूबरकुलर ऑस्टोमलाइटिस प्रेजेंट एज अ वेल डिफाइंड एरिया ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन टिपिकली विथ मिनिमल रिएक्टिव न्यू बोन फॉर्मेशन। तो अपन ने जब पैथोलॉजी यहाँ पर पढ़ी थी ट्यूबरक्लोसिस की, तो अपन ने वहाँ पर देखा था कि जो बोन होती है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके कॉर्टेक्स खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन को देखने को मिलेगी कि यहाँ पर क्या है ना ट्यूबरकुलर ऑस्टोमलाइटिस बोन के डिस्ट्रक्शन के वेल डिफाइंड एरिया के रूप में प्रेजेंट होता है, और आमतौर पर यहाँ पर क्या होता है ना मिनिमल रिएक्टिव न्यू बोन फॉर्मेशन भी अपन को देखने को मिलती है। अपन ने वहाँ पर बोला था कि न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ पर, तो अपन को यहाँ पर न्यू बोन फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और जो ट्यूबरकुलर ऑस्टोमलाइटिस प्रेजेंट एज अ वेल डिफाइंड एरिया ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन, जो बोन होता है ना वहाँ पर अपन को डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा अच्छे से। दिस इज अनलाइक अ पायोजेनिक इन्फेक्शन वेयर रिएक्टिव पेरीओस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन इज अ इम्पोर्टेंट फीचर। तो ये एक पायोजेनिक इन्फेक्शन है जहाँ रिएक्टिव पेरीओस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंट फीचर है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे टीबी आर्थराइटिस। टीबी ऑस्टोमलाइटिस देख लिया, उसके बाद आता है टीबी आर्थराइटिस। तो यहाँ पर क्या होता है ना ये जनरल रेडियोलॉजिकल फीचर्स अपन देख रहे हैं यहाँ पर। तो टीबी आर्थराइटिस में क्या होगा, द ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस देयर इज रिडक्शन ऑफ द जॉइंट स्पेस, इरोजन ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेस एंड मार्क्ड पेरी आर्टिकुलर रेरफेक्शन। तो ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस में जॉइंट स्पेस जो होता है ना उसका रिडक्शन हो जाएगा, मतलब ये जॉइंट है इसके बीच में जो स्पेस होता है ना वो कम हो जाता है। तो ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस में जॉइंट स्पेस में रिडक्शन हो जाता है, आर्टिकुलर सर्फेस का इरोजन एंड मार्क्ड पेरी आर्टिकुलर रेरफेक्शन यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है टीबी आर्थराइटिस के अंदर। उसके बाद दिस इज अनलाइक मेनी अदर कॉजेज ऑफ जॉइंट स्पेस रिडक्शन सच इज ऑस्टियो आर्थराइटिस, पेप्टिक आर्थराइटिस एक्सेट्रा, वेयर देयर इज सब कॉन्डाइल स्क्लेरोसिस इंस्टेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जॉइंट स्पेस के रिडक्शन के अदर कॉजेज भी हो सकते हैं जैसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस एक्सेट्रा, ये सब भी हो सकते हैं, जहाँ इनके बजाय सब कॉन्डाइलर स्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, मतलब और भी है जिनके अंदर जो स्पेस है ना वो कम हो जाता है। अ चेस्ट एक्सरे शुड बी डन। तो अपन को यहाँ पर इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब इसका पता लगाने के लिए अपन यहाँ पर चेस्ट का एक्सरे भी करवा सकते हैं। लंग में किसी भी तरह के ट्यूबरकुलर लिजन का पता लगाने के लिए चेस्ट का एक्सरे रूटीनली अपन को करवाना चाहिए, मतलब रूटीनली अपन कराएंगे
ताकि अपन को अच्छे से पता लग जाएगा। चेस्ट एक्सरे शुड बी डन रूटीनली टू डिटेक्ट एनी ट्यूबरकुलर लीजन इन द लंग। लंग में कोई ट्यूबरकुलर लीजन है, इसको डिटेक्ट करने के लिए अपन चेस्ट एक्सरे करवाएंगे रूटीनली। फिर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है अदर इन्वेस्टिगेशन। अपन ने पहले वहाँ दो तीन तरीके से इन्वेस्टिगेशन देख लिया। फिर यहाँ पर अदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है ब्लड एग्जामिनेशन। अपन ब्लड का एग्जामिनेशन करवाएंगे। हाई ये SR होगा, ल्यूकोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटिक। उसके बाद मेंटॉक्स टेस्ट होगा, यूजफुल इन चिल्ड्रन, जो कि अपन चिल्ड्रंस के अंदर यूजफुल होता है, चिल्ड्रंस के अंदर परफॉर्म करते हैं। सीरम ELISA टेस्ट करवाते हैं फॉर डिटेक्टिंग एंटी माइक्रो बैक्टीरियल एंटीबॉडीज। एंटी माइक्रो एंटीबॉडीज के लिए डिटेक्ट करने के लिए अपन ये टेस्ट करवाते हैं। साइनोवियल फ्लूड एस्पिरेशन अपन करवाते हैं। एस्पिरेशन ऑफ कोल्ड एसिड एंड एग्जामिनेशन ऑफ पस फॉर EFB। तो अपन ने पहले देखा था ना, अपन यहाँ पे कोल्ड एब्सिस जो होता है बन जाते हैं ना, उसको भी अपन यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि अपन देखा था इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी यूजफुल होता है अपन को कोल्ड एब्सिस देखना। उसके बाद आता है हिस्टोपैथोजेनिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यूज ऑब्टेन बाय बायोप्सी एंड क्यूरेटेज ऑफ द लीजन। बायोप्सी या क्यूरेटेज ऑफ लीजन में मिले ग्रेनुलेशन टिश्यूज का हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर करवाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रीटमेंट, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अपन ने आज यहाँ पर पढ़ा ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन एंड जॉइंट्स के अंदर जनरल कंसिडरेशन, इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, उसके बाद उसके क्लिनिकल फीचर्स अपन डिस्कस किए, इसके इन्वेस्टिगेशन अपन ने देखे। तो ट्रीटमेंट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आप ये वाला जनरल वाला जो पार्ट पढ़ लेते हैं बोन एंड ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन एंड जॉइंट का, तो आप किसी भी बोन एंड जॉइंट की ट्यूबरकुलोसिस के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।